कितनी खूबसूरत ये तस्वीर है, ये कश्मीर है, ये कश्मीर है, ये कश्मीर है, ये कश्मीर है। तो हम अब हम लोग सेकंड राइड गंडोला की जा रहे हैं। yes. 13,000 कितना है? 800। 13,800 फीट पे हम लोग जा रहे हैं। तो देखिए बड़ा बड़ा अच्छा लग रहा है। ये देखिए आपको सब खूबसूरती दिख रही है। ये देखिए बहुत ही अपने आप में ही खूबसूरती है इसकी, जो बताई नहीं जा सकती है, बस आप लोग महसूस कर सकते हैं। देखिए मजा आ रहा है बच्चों को। माय थ्री प्रिंसेस एंजॉय द पिकनिक। हाँ तो बताइए भाई डॉक्टर साहब आपको कैसा लग रहा है गंडोला में बैठ के और यहाँ पे आके सेकंड फेज गंडोला पे हम लोग जा रहे हैं? देखिए कितना हसीन नजारा आप लोगों ने देखा है पहले कभी? हमने भाई कभी नहीं देखा, हम तो आज ही देख रहे हैं। ये देखिए कितना खूबसूरत है, कितना खूबसूरत है। ये देखिए बहुत प्यारा। आप क्या कर रहे हैं? वो देखिए बादल हैं, बादल हैं। बस जमे ही के जमे चले जा रहे हैं हम लोग यहाँ पे। देख लीजिए आप कश्मीर की एलओसी का पॉइंट है। अच्छा दोस्तों ये जो आपको दिख रहा है ये पीछे एलओसी का पॉइंट है, इंडिया पाकिस्तान का बॉर्डर है। तो इसी पे मुझे एक गाना याद आ रहा है, पंछी नदिया पवन के झोंके, हर सरहद ना हमें रोके, सरहद इंसानों के लिए है, मैंने और तुमने क्या पाया इंसान हो के। थैंक यू। ये झील से नीली आंखें कोई राज है दिल पे गहरा, तारीफ करूं क्या उसकी जिसने इसे बनाया, तारीफ करूं क्या उसकी जिसने इसे बनाया। अल्हम्दुलिल्लाह। कितनी खूबसूरत ये तस्वीर, ये कश्मीर है, हर मौसम बेमिसाल बेनजीर, ये कश्मीर है, ये कश्मीर है, कितनी खूबसूरत ये तस्वीर है। कौन से गेट सर? हाँ
हेयर इज बॉर्मिटा 14,000 फीट के ऊपर। सो शिजा यू आर एंजॉइंग इट? ओके, ऑन द हाईएस्ट पीक इन गुलमर्ग वी आर एंजॉइंग। दुबला हो रहा है, देख लीजिए आप लोग 14,000 फीट की बुलंदी पर बॉर्मिटा का लुत्फ दुबला हो रहा है, आप लोग भी इसको जरूर देखिए। शिजा बताइए आप हाँ यहाँ पे बॉर्मिटा क्योंकि मिलता नहीं, मेरा बच्चा बॉर्मिटा लेके आया था यहाँ पर। सो जवेलिया, सो व्हाट डू यू वांट टू से? I want to say that this is great and this is a great experience. This is the highest I've been, 14,000 feet, and it feels great. Look at the view. Yes. आप तो इससे पहले भी बहुत सी जगह जाके देख कर आई हो, तो आपको और जगह पे आपने अमेरिका में भी टूरिज्म किया है, तो आप ये बताओ कि आपको कश्मीर का मुकाबला आप कैसे करोगे वहाँ से? अब कश्मीर का तो कोई मुकाबला नहीं है, yes, जन्नत का तो कोई मुकाबला ही नहीं, बहुत अच्छा है। यस, जन्नत तो जन्नत है। नेचुरल का बना, हैंडमेड बनाया। हाँ, यू वांट टू से समथिंग? यस, हाउ यू फील? आई एम लविंग इट एंड आई एम टेकिंग इन ऑल द फील्स। आई जस्ट वांट टू सिट एंड एडमायर एवरीथिंग। ब्यूटीफुल। बर्फ गिर रही है? हाँ, बर्फ गिर रही है। हाँ, स्नोफॉल इस साल शुरू हो गया है। यस, स्नोफॉल हो रहा है। यस, हल्का हल्का सा स्नोफॉल शुरू हो गया है। देखिए आप लोग, चलो दीवाना बदल गा रहे हैं भाई हम लोग। हैं? हाँ, दीवाना वो बदल, आइए उन्हीं को पकड़ा। स्नोफॉल शुरू हो गया है और इस पे हमें एक और गाना याद आ गया। दीवाना हुआ बादल, सावन की घटा छाई, ये देख के दिल झूमा, ली प्यार ने अंगड़ाई। मान हुआ बादल, सावन की घटा छाई, ये देख के दिल झूमा, ली प्यार ने अंगड़ाई। दीवान हुआ बादल, यस। तो दोस्तों, हम 14,000 फीट की बुलंदी से नीचे उतर रहे हैं, अब हम गुलमर्ग जा रहे हैं यहाँ से। ये देखिए, पहले हम गए थे और इसी गंडोला से अब हम लोग राइट लेते हुए नीचे आ रहे हैं। देखिए कितना खूबसूरत व्यू है, बहुत ही खूबसूरत, जन्नत नजीर वाकई में नजारा है। यस, तो दोस्तों हम लोग यहाँ पे, लाइट से चली गई है, ब्रेक लग गया है, हम लोग यहाँ पे मेरे ख्याल में 12,000 फीट पे लटके में हैं। यस, 12,000 फीट पे लटकने का भी अपनी मजा है। और ये चल पड़ी है गाड़ी अपनी ब्रेक के बाद। ये देखिए कितना खूबसूरत व्यू है दोस्तों। दोस्तों ये शेफर्ड्स हाउस हैं, लेकिन इसमें जाड़ों में कोई नहीं रहता है,
गर्मियों में लोग आते हैं और रहते हैं, और इस वक्त जो है ये बिल्कुल खाली होते हैं। सोचा कितनी टफ जिंदगी होगी कि गर्मियों में इधर रह रहे हैं, जाड़ों में शिफ्ट कर जाना है, इट्स क्वाइट डिफिकल्ट। यस तो दोस्तों हम लोगों ने गंडोला राइड जो है वो कर ली है। हम लोग अफरमात तक गए। अफरमात में वाकई में जिंदगी का खूबसूरत तरीन लम्हा हमने एंजॉय किया, बहुत मजा आया। अब हम यहाँ से गंडोला राइड से वापस जा रहे हैं अफरमात से, और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से फिर से नगर में मुलाकात होगी। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, टेक केयर।